हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में आपकी एक कंपनी से रूबरू कराना चाहेंगे, एक ऐसी कंपनी जो आपको ने शायद ना सुनी हो, क्योंकि देखिए मार्केट में लगभग अगर बीएससी एनएससी को मिला दे तो 8500 से भी ज़्यादा यहाँ पर कंपनी मार्केट में लिस्ट है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो सब कंपनी पर नज़र नहीं बना सकते, बट कुछ ऐसी कंपनी है जो कि इस रियल में यहाँ पर मल्टी बैगर साबित हुई है और काफी बेहतरीन कंपनी है। तो बीएससी में इतनी बेहतरीन बेहतरीन कंपनियां आपको मिल जाएगी, आपने सोचा नहीं होगा, बट आप यहाँ पर अब देखेंगे धीरे धीरे तो अच्छा पैसा बनाते हुए नजर आएंगे। हम कंपनी से रिलेटेड काम बताने वाले हैं, जिस कंपनी का नाम है शीतल कूल प्रोडक्ट लिमिटेड। कंपनी करती क्या है, क्या बिजनेस है, क्या मार्केट कैप है, फंडामेंटल्स कैसे है, टेक्निकल कैसे है, सब चीज से रिलेटेड बातें करेंगे। बट बिफोर दैट, वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इन्वेस्ट फॉरएवर चैनल जो कि आपका चैनल है इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम इस तरीके की वीडियो आपके पास लाए तो ये वीडियो आप देख के सीख सके। ओके, और जितना हो सके गहन अध्ययन करिए, क्योंकि लास्ट में जब हम इसके टेक्निकल पे जाएंगे तब आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको बताते हुए नजर आऊंगा। तो यहाँ पर इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, लास्ट तक देखिए और जितना हो सके सीखिए। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, और कोई भी चीज जब बताई जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कल ही जाके खरीद ले। इसे थोड़ा सा टाइम देने पर, आप पेशेंट इसे वॉच लिस्ट में रखने पर डेली डेली देखेंगे, इसका चार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ हमें एंट्री कब लेनी है, और फिर उसके बाद जब ये शेयर भागेगा तो अच्छा पैसा बनता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर ये बहुत सारी वीडियोज आती है, जाके चेकआउट कर लीजिएगा, और हमसे कॉन्टेक्ट करना है तो ये पर्टिकुलर नंबर है, आप हमें यहाँ पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे हैं शीतल कूल प्रोडक्ट से रिलेटेड। शीतल कूल प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो ये आइसक्रीम और बेकरी से रिलेटेड कंपनी है, मतलब ये पर्टिकुलर चीज बनाती है। इनकी अगर वेबसाइट पर जाएंगे तो देखिए यहाँ पर लवली यहाँ पर टेस्ट से रिलेटेड ये आइसक्रीम है। इनके पास 100+ प्रोडक्ट्स है आइसक्रीम और नमकीन को मिला के, जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे की सारी आइसक्रीम सैंडविच से रिलेटेड, कुल्फी से रिलेटेड, यहाँ पर अगर हम बात करें कोन से रिलेटेड, ओके, कप से रिलेटेड, यहाँ पर सभी तरीके की आइसक्रीम इनके पास आपको मिल जाएगी। 100+ क्या है इनके पास है, आइसक्रीम मटका कुल्फी हो गई, ओके, कुकीज आइसक्रीम सैंडविच हो गई, यहाँ पर कोन हो गया, तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स है जो कि इनकी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर और भी पता चलेगा और गहन अध्ययन इसके बारे में कर सकते हैं। तो इस कंपनी से रिलेटेड और भी कुछ चीजों से रिलेटेड अगर बताऊं तो 32 साल लगभग इस कंपनी को हो गए हैं। आपने यहाँ पर नाम ना सुना हो, ओके, क्योंकि मेरे लिए भी ये नई कंपनी, आपने आइसक्रीम खाई होगी तो मोस्टली क्वालिटी, अमूल, ये पर्टिकुलर कंपनीज हैं, इनकी ही यहाँ पर आइसक्रीम ज़्यादा सेल आउट होती हुई नज़र आती है। तो यही कुछ कंपनी है जो हमारे माइंड में रह जाती है, बट इसके हटके भी मार्केट में कोई ना कोई उनका कॉम्पिटिटर भी रहता है, तो उसकी तरफ भी हमें नज़र रखनी चाहिए। तो अगर हम बात करें ये कंपनी की तो देखिए कितने लगभग 160+ सिटीज़ में ये कंपनी अपना बिजनेस करती है, 28,000+ यहाँ पर रिटेलर्स है, और यहाँ पर 100+ फ्लेवर्स यहाँ पर आइसक्रीम के मिल जाएंगे, प्लस में यहाँ पर नमकीन और ये अलग अलग स्नैक्स में काम करते हैं वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और एक्सपीरियंस की बात करें, अच्छा एक्सपीरियंस है, और उनका फीडबैक ऑडियंस का तो वो भी एक काबिले तारीफ है, काफ़ी बेहतरीन है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सब चीज़ इसी से रिलेटेड दे रखी है। तो यहाँ पर देखिए द कंपनी हैज एस्टैब्लिश नेटवर्क 405 डिस्ट्रीब्यूटर्स, 55 सुपर स्टॉकिस्ट अक्रॉस गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश एरिया, एंड प्रेजेंटली डील विद अराउंड 100,000+ रिटेलर्स के साथ यहाँ पर डील कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र, गुजरात, ये तो पुराना हो सकता है, बट इनकी वेबसाइट पर जो दे रखा है वो यहाँ पर नया है, रिटेलर्स 28,000+ हो गए अब। और यहाँ पर गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये एक जो बड़े बड़े सिटीज है वो यहाँ पर पूरा कैप्चर कर रखा है इन्होंने। यहाँ पर अगर हम बात करें द कंपनी हैज रजिस्टर्ड इट्स प्रेजेंस ऑन बिग बास्केट ड्यूरिंग फाइनेंशियल 21, तो बिग बास्केट पे भी इनकी आइसक्रीम मिलेगी। इट आल्सो कमेंस बिजनेस इन जम्मू एंड कश्मीर पे भी यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक कंपनी आपको नजर आएगी, एंड इसी अप्रूवल फॉर एक्सपोर्ट इंसेप्शन काउंसिलिंग मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, एंड यहाँ पर एक्सपोर्ट भी करते हुए नजर आ सकते हैं यहाँ पर कहाँ पर नॉन यूरोपियन कंट्रीज में। तो यहाँ पर कंपनी काफी बेहतरीन है, यहाँ पर देखिए 2 लाख लीटर की पर डे में यहाँ पर आइसक्रीम का प्रोडक्शन होता है, 5.5 लाख पैकेट्स यहाँ पर नमकीन के बनते हैं, 80,000+ लीटर पर डे यहाँ पर मिल्क प्रोसेसिंग होता है, और ये इट हैज आल्सो इंस्टॉल्ड 1.2 मेगावाट सोलर सोलर प्लांट एंड 2
75 मेगा वॉट विंड मिल्स इन गुजरात, तो यहाँ पर ये सोलर पावर एज वेल एज विंड मिल्स से रिलेटेड भी यहाँ पर काम करती हुई नजर आती है। कंपनी काफी बेहतरीन है और यहाँ पर रेलवे स्टेशन में आपको यहाँ पर इनकी स्टॉल्स मिल जाएगी। यहाँ पर IOCL, BPCL, HPCL और वेस्टर्न रेलवेज की अगर हम बात करें वहां पर इन्होंने पार्टनरशिप कर रखी है और शीतल एंड जेडोर के नाम से इनके स्नैक्स एज वेल एज मिल्क प्रोडक्ट्स यहाँ पर मिलते हुए नजर आएंगे। कभी यहाँ पर शीतल और जड़ौर से एडोर से रिलेटेड अगर प्रोडक्ट्स आपको मिले तो समझ जाइएगा ये शीतल कंपनी का प्रोडक्ट्स है। और यहाँ पर देखिए इनका रेवेन्यू 2021 में मिल्क का तो थोड़ा कम होता हुआ नजर आया बट बेकरी का यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया है, तो यहाँ पर इन पर्टिकुलर चीजों की तरफ आप ध्यान दे सकते हैं। मार्केट कैप की बात करें तो 467 करोड़ रुपीस का मार्केट कैप है, मतलब यहाँ है माइक्रो कैप कंपनी है। रिस्की होगी क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब आप चार्ट यहाँ पर देखेंगे तो एक चार्ट पैटर्न किस तरीके से दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर एक गैप, यहाँ पर एक कंसोलिडेशन कितने साल, लगभग 3-4 साल यहाँ पर कंसोलिडेशन किया और एक साथ ही जब 2021 में सेप्टेम्बर में भागना शुरू किया 142 से सीधा यहाँ पर 500 प्लस होता हुआ नजर आया। ROC ROE काफी बेहतरीन है 23% और 36% की, ऐसे ROC की कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में हमेशा रखना चाहिए। डेट की बात करें कंपनी का 130% का डेट है, मतलब कंपनी का थोड़ा सा डेट ज्यादा है। इंडस्ट्री का PE 42 है और स्टॉक का PE 25 है, तो कहीं ना कहीं अभी भी इतना भागने के बाद शेयर अभी भी सस्ता नजर आता है। और यहाँ पर और कुछ चीजों की बात करें तो 514 रुपए का इसने हाई भी बनाया था, तो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की स्टॉक हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए जब अगर कंसोलिडेशन भी लंबा अच्छा खासा किया है कंपनी ने और अभी भागा है तो अच्छा खासी ग्रोथ अब दोबारा हो सकती है, भाग सकता है शेयर बट, और क्योंकि सस्ता भी मिल रहा है तो इसे भी देखिए 5 साल में लगभग 48 से 49% के यहाँ पर CAGR से कंपनी ने रिटर्न दी है। अब यहाँ पर बात करते हैं कुछ और चीज की, सेल्स कंपनी की सेल्स देखेंगे अच्छी खासी लगातार बढ़ी है। ओके, और इस बार की जो सेल्स आई है 174 करोड़ रुपीस की सेल्स है जो कि क्वार्टरली और ईयरली यहाँ पर दोनों बेसिस पे अच्छी खासी बढ़ती हुई नजर आई है। और यहाँ पर कुछ और पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर देखिए कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है, लगभग 23 करोड़ रुपए का है। और मार्जिन परसेंटेज की बात करें 13% है जो कि क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे है, बट इसके रिजल्ट हाफ ईयरली आ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं SME स्टॉक्स भी हो सकता है, बट इतना मार्केट कैप है तो SME स्टॉक नहीं होना चाहिए, ये उससे बाहर निकल गया होगा। तो यहाँ पर बात करें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी अच्छा खासा यहाँ पर नजर आता है, तो हाफ ईयरली की बात हो रही है बट कंपनी का देखिए ईयरली बेसिस पे अच्छा खासा प्रॉफिट, अच्छा खासा मार्जिन नजर आता है। तो इस शेयर की तरफ हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है, क्योंकि कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रही है। ईयरली बेसिस पे बात करें कंपनी का 2015 से हमारे पास डेटा है तो 45 करोड़ की सेल्स 2022 में 327 करोड़ की सेल्स में बदल गई है, तो अच्छी खासी सेल्स बढ़ी है। प्रॉफिट की बात करें 3 करोड़ का प्रॉफिट 37 करोड़ में हो गया है। नेट प्रॉफिट की बात करें जहां प्रॉफिट क्वेश्चन नहीं था वहां पर अभी 18 करोड़ के प्रॉफिट में है, तो कंपनी अच्छा खासा यहां पर काम कर रही है। डेट की बात करें कंपनी का यहां पर डेट ये शायद जो दिखा रहे हैं वो पिछले हिसाब से दिखा रहे हैं, 2022 में अभी तक यहां पर ये अपडेट हुआ नहीं है बट जैसे ही यहां पर ये अपडेट हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगी। बस यहां 2021 की बात करें तो डेट थोड़ा सा यहां पर ज्यादा था बट कंपनी के पास अच्छा खासा अगर हम यहां पर बात करें थोड़ा बहुत कैश भी पड़ा हुआ है, तो कंपनी अच्छी खासी है। प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो देखिए यहाँ पर 53% की होल्डिंग थी जो कि मार्च 2020 में 55% की और मार्च 2022 में देखिए हर साल यहाँ पर बात करें 2021 में 55 और 2022 में फिर दोबारा हिस्सेदारी बढ़ी, तो हर साल यहाँ पर कहीं ना कहीं हिस्सेदारी बढ़ाते हुए नजर आ रहे और थोड़ी बहुत नहीं बहुत अच्छी खासी हिस्सेदारी बढ़ रही है। पब्लिक की होल्डिंग की बात करें 39% की होल्डिंग यहाँ नजर आती है, 39 में भी यहाँ पर देखिए बड़े बड़े यहाँ पर लोग हैं जिनके पास किसी का 1.63% की, किसी का 1.27, 1.79, 1.17, 2.61, 2.79 और 3.01% की हिस्सेदारी है, तो बड़े बड़े लोग भी इस पर्टिकुलर शेयर में शामिल है। तो इस कंपनी की तरफ आपको क्या रखनी है, नजर रखनी है। क्यों रखनी है? क्योंकि कंपनी के नंबर, कंपनी का मार्जिन, एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन। और यहाँ पर कंपनी किस प्रोडक्ट्स में यूज करती है, कंपनी करती है आइसक्रीम में डील करती है डेयरी और डेयरी के साथ साथ यहाँ पर अगर बात करें कंपनी नमकीन बेकरी प्रोडक्ट्स में भी यूज करती है, तो यहाँ पर आइसक्रीम गर्मी आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है आइसक्रीम ज्यादा ऐसे अलाउट होगी होगी और नमकीन और बेकरी तो यहाँ पर बढ़ी रही है। तो यहाँ पर कंपनी की अगर हम बात करें, कंपनी अच्छे खासे तरीके से ओके, यहाँ पर एक फीबो टेक्निक होती है वो मैं आपको हमेशा कह रहा हूँ कि बार बार बताऊंगा कि बताऊंगा तो बताएंगे हाँ ओके, उसके हिसाब से अगर देखें तो टारगेट ऑलरेडी यहाँ पर मीट हो गया, बट टारगेट मीट हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि टारगेट शेयर भागेगा नहीं। यहाँ पर देखिए चीजें रिजल्ट आए, रिजल्ट के बाद यहाँ पर अच्छे रिजल्ट आने के बाद भी चीजें गिर रही है, और जब भी कोई कंपनी अच्छे रिजल्ट आने के बाद गिरती है तो मैं हमेशा कहूंगा कि उसे गिरने दीजिए,
गिरने के बाद एक आध दिन कंसोलिडेट करेगी और जब भागेगी तो ये इस जो ये यहाँ पर रिटर्न है ना उससे ज्यादा रिटर्न आपको मिलते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर ये तो फीवो, अभी एक एक और टेक्निक होती है एडवांस फीवो। ओके, उसमें जब टारगेट की अगर बात करेंगे, जब ये पूरा रिट्रेसमेंट हो जाएगा, क्योंकि तो कोई भी चीज लगातार नहीं भागती। देखिए ये भागा, भागने का यहाँ पर रिट्रेस किया, फिर जब भागना शुरू किया दोबारा यहाँ पर देखिए थोड़ा कंसोलिडेशन किया, फिर भागा, फिर यहाँ पर एक कंसोलिडेशन किया, रिट्रेस किया और फिर दोबारा भागा, फिर रिट्रेस किया, फिर भागा। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या चलती है, इसी तरीके से यहाँ पर चीजें चलती है। दोबारा भाग रहा है, अच्छे रिजल्ट है, एवरीथिंग इज फाइन। चीजें थोड़ी सी यहाँ पर नीचे गिरने दीजिए, एक साथ हड़बड़ी में यहाँ पर बाइंग करनी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी चीजें नीचे आती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पर जो फीवो टेक्निक होती है उसमें एक बेहतरीन लेवल होते हैं 0.5 और 0.6 का। ओके, इन दोनों लेवल के आसपास जब भी यहाँ पर चीजें आएगी, ओके, और 1.6 या 1.5 के नीचे नहीं जाती, यहीं पर ही अगर रह जाती है और चीजें यहाँ पर कंसोलिडेट करती है, या फिर कोई ऐसी कैंडल बनती है जो हमें यहाँ पर बाइंग का संदेश देगी, हम यहाँ पर बाइंग करेंगे। मैं आपको यहाँ पर अपडेट कर दूंगा जब भी मैं यहाँ पर बाइंग करूंगा। और फिर उसके बाद जब चीजें भागेगी तो याद रखिए एक बेहतरीन रिटर्न्स बनते हुए नजर आएंगे। अभी टारगेट से रिलेटेड बातें नहीं करेंगे, अभी कंपनी से केवल आपको क्या कराया है, रूबरू कराया है, आपको कंपनी के बारे में यहाँ पर जानकारी दी है कि कंपनी है काफी बेहतरीन है और केवल BSE पे ही आपको मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर चीजों को नीचे आने दीजिए, थोड़ी सी चीजें नीचे आएगी, फिर डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम इसका एडवांस फीवो जब बनता हुआ नजर आएगा तो इसके टारगेट शायद 600, 700, 800 रुपए तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, तब बात करेंगे जब बन जाएगा, अभी बात नहीं करेंगे। ओके, उससे रिलेटेड और यहाँ पर एक बेहतरीन सपोर्ट भी बनते हुए नजर आ रहे हैं, एक सपोर्ट यहाँ पर ये नजर आता है। ओके, और ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से जब ऊपर जाएगा तो एक ब्रेकआउट होगा, अभी यहाँ से नीचे जाएगा तो ब्रेकडाउन होगा, और यहाँ पर अगर रुक जाता है तो हम यहाँ पर बाइंग करने की सोच सकते हैं एक बार। तो यहाँ पर आने दीजिए, कैंडल को बन जान दीजिए, उसके बाद वी विल डिसाइड कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, खुद की स्टडी करना और जितना हो सके सीखने की कोशिश करिए कि चीजों को किस तरीके से आपको यहाँ पर लेनी है। चीजें रिजल्ट अच्छा है तो ऐसा नहीं है कि एक साथ ही कुछ कंपनियां तुरंत भाग जाती है, कुछ कंपनियां होती है कि रिजल्ट आने के बाद गिरती है, तो वो जो भागती रहती है वो नीचे आती है, जो गिर जाती है फिर वो ऊपर जाती है। इस चीज को थोड़ा सा समझिए, फिर मार्केट को देखेंगे, मार्केट के बिहेवियर को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये चार्ट किस तरीके से काम करते हैं। मैंने बहुत सारे पैसे और यहाँ पर गवाए है, किस वजह से? क्योंकि यहाँ पर जब भाग रहा है मैं यहाँ पर आपकी तरह ही ले लेता हूँ, आपने भी लिया होगा, मैंने भी लिया है। ओके, और उसका प्रॉफिट कुछ नहीं मिलता, चीजें नीचे आती है, फिर यहाँ पर नो लॉस नो प्रॉफिट पे हमें जब 3 महीने और 6 महीने हो जाते हैं हम चुपचाप देखते रहते हैं, और 6 महीने बाद नो लॉस नो प्रॉफिट पे बेच देते हैं, और उस टाइम की वैल्यू होती है, टाइम का वो टाइम हमारा चला जाता है। और अगर नीचे के लेवल से हम यहाँ पर बाइंग करेंगे तो हमारा 15-20% का टारगेट इजीली मिल जाएगा। जब बात हो रही है 40% की, तो 40% के रिटर्न मिलेंगे, बट 40% के रिटर्न कम मिलेंगे। जब हम समझदारी से सीख के समझ के काम करेंगे तो हमारे इस तरीके के रिटर्न डेफिनेटली मिलेंगे। और 10 लाख रुपए लगभग 700-800 करोड़ रुपए होते हैं 40% के हिसाब से हम हर साल पैसा कमाते हैं 20 साल के अंदर अंदर। तो बैंक सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, खुद की स्टडी करिए, जितना हो सके सीखिए, और यहाँ पर एक नंबर पे आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।